धम्मपद गाथा 3 और 4। अक्कोच्छि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चे तंग उपनेहंति वेरंग तेसंग ने सम्मति। इसमें अक्कोच्छि जो मतलब है पहला वाला, अक्कोच्छि का मतलब होता है, ए को अगर हटा दें हम तो कोच्छि का मतलब होता है अक्रोश, क्रोश माने क्रोध माने, यानी कि क्रोध या कहते ना कोसना, पुरानी भाषा में आपने सुना होगा कहते हैं ये मुझको कोस रहा है या ये मुझको कोस रही है या वो कोसता है, जो कोसना होता है उसको पाली के अंदर कोच्छि बोलते हैं, कोच्छ बोलते हैं। और अकोच्छि का जो मतलब है यहाँ पे, पाली के अंदर दो तरह की क्रियाएँ काम करती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे काम करती हैं, जैसे मैंने पानी पिया या मुझे पानी पिलाया गया, दो बातें हैं दोनों का अर्थ एक है, मैंने पानी पिया या मुझे पानी पिलाया गया। वह लड़के ने चाकू से काटा या उस लड़के ने, वह लड़के ने चाकू के द्वारा काटा, काटा गया, यानी कि एक हम डायरेक्ट बोलते हैं एक इनडायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ दो तरह की स्पीचेज आती हैं, मगर पाली में जो गाथाएं हैं उनमें इनडायरेक्ट स्पीच बहुत है, यानी पैसिव जो स्पीच है उसको अत्नोदपन बोलते हैं। और ये स्पीच, ये जो बात है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ये आम भाषा में नहीं बोली जाती और पाली की आम भाषा में तो बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, ये मोस्टली साहित्यिक भाषा है जो जगह जगह आएगी। और ये 5 सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बीत चुका है, भूतकाल की क्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं और उसमें आती हैं, मगर यहाँ ये सिंपल करके बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो कोच्छि का मतलब है कोसना और अक्कोच्छि का मतलब कोसा गया, यानी कि मंग माने मैं कोसा गया या मुझे कोसा गया। अवधि मंग अवधि मंग अवधि, वधि का मतलब होता है यहाँ पे पीटना या कुछ ऐसी बात करना जिसमें पीटने से संबंधित है, मारना या पीटना, तो अवधि मंग यानी कि मुझे मारा गया। अजिनी मंग, जिनी का मतलब होता है यहाँ जीतना, अजिनी का मतलब है कि मुझे जीता गया, मुझे जीता गया या मुझे जीता गया। अहासी का मतलब होता है, हासी जो होता है वो आता है लूटपाट के लिए, यानी लूटपाट अगर आप कहेंगे तो उसको हासी बोलते हैं, और अहासी का मतलब है कि मुझे लूटा गया। ये 4 बातें हैं। ये चे तंग उपनेहंती, ये माने जो, चे माने और, तंग माने वे, ये और वे उपनेहंती, उपनेहंती का मतलब है जो मन में ऐसी बात रखते हैं या ऐसी बातों को आसरा देते हैं। कैसी बातों को देते हैं, कोसने को, मारने को, लूटने को, जीतने को, जो मन में ऐसी बातें रखते हैं उपनेहंती। वैरंग तेसंग ने सम्मति, वैरंग क्या होता है, वैर है, वैर, वैर का मतलब है जब आप किसी दुश्मनी रखते हैं तो उसको वैर बोलते हैं। अभी तो 2 मात्राओं का वैर हो गया, 2 मात्राएं पाली के अंदर कहीं नहीं है, जो औरत वाली 2 मात्राएं हैं वो कहीं नहीं है, पाली में सिर्फ 1 मात्रा होती है वेर, वैर वाली कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ वैरंग बोलते हैं। ते संग, ते माने वे और संग माने, ते संग माने उसमें, उसको या उसमें या उस पर, वे को भी आता है। ने सम्मति, ने माने नहीं, और सम्मति जो शब्द है आपने वो सुना होगा, जो आपने एक कथा सुनी होगी महात्मा गांधी की जिसमें बार बार आता है सबको सम्मति दे, ऐसा एक शब्द आता है सबको सम्मति दे। सम्मति का मतलब है शांति, शांति यानी कि खंति या छांति, शांति। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ इसका कि मुझे मारा गया, मुझे कोसा गया, मुझे जीता गया, मुझे लूटा गया, ऐसा जो लोग मन में सोचते हैं वैर, उनको कभी शांत नहीं होते, यानी कि वे कभी शांत नहीं होते। ये जो गाथा नंबर 3 है और गाथा नंबर 4 भी लगभग ऐसी है, ये सावित्री की कहानी है। सावित्री यानी जैतवन बुद्ध विहार के अंदर, जैतवना राम के अंदर, जैतवन महाविहार के अंदर या जैतवन संगाराम के अंदर, जब भगवान बुद्ध वहाँ थे तो अमिताभ थे, अमिताभ भी भगवान का नाम है, अमिताभ का मतलब है कि जिनकी आभा अमिट हो, आभा जिनकी अमिट है उनको अमिताभ बोलते हैं। तो जो अमिताभ सावित्य में थे उस समय एक थेर थे, उनका नाम था थुल्लतिस, थुल्ल तो आप समझते होंगे,
थुल थुल जो बोलते हैं, मोटा मोटा सा, गुदगुदा सा, ढेर सा जो होता है मांस का लोथड़ा, उसको थुल्ल बोलते हैं। तो नाम था थुल्लतिस। थुल्लतिस थेर हुए और वो बहुत मोटे स्थूल थे, इसलिए उनका नाम पड़ा, नाम दिया, क्योंकि नाम बदल जाते हैं जब आप विपसना, जब आप साधना करेंगे और भिक्खु बनेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा, तो आपका नया नाम वहाँ देंगे। ये परंपरा पुरानी बुद्ध ने डाली थी ताकि नाम से भी लगाव ना रहे। अगर आप पुराने नाम से जाने जाएंगे तो आपको नाम से भी लगाव रहेगा, और नाम से लगाव अगर आपको रहेगा तो आप अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ काम करेंगे, और उससे आपकी विपसना नहीं हो पाएगी, साधना नहीं हो पाएगी, वो रुक जाएगी। इसलिए भिक्खु संघ में आने के बाद में आपको अपनी हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, आपको अपने बाल, आपको अपने कपड़े, आपको गहने, अंगूठी, जो भी सब सामान है वो सब छोड़ना पड़ता है। आपको भिक्खु संघ से कपड़े मिलेंगे, भिक्खु संघ की ड्रेस लेनी पड़ेगी, और भिक्खु संघ के हिसाब से ही आपको बाल वगैरह रखने पड़ेंगे, जो नियम बनाए हैं। आपको अपना नाम भी छोड़ना पड़ेगा और वहाँ नाम भी आपको नया मिलेगा। तो ये जो सज्जन थे, इनका पुराना नाम तो पता नहीं, मगर वहाँ जो इनके शरीर को देखते हुए इनको थुल्लतिस करके नाम दिया गया। अब थुल्लतिस क्योंकि उम्र में बहुत बड़े थे और मोटे भी थे, तो जो छोटे भिक्खु थे उन्होंने समझा कि ये थेर हैं। थेर का मतलब है कि इन्होंने कम से कम 10 साल भिक्खु का जीवन किया है, यानी उपसमता के बाद 10 साल तक, ये ट्रेंड होने के बाद 10 साल तक ये रहे हैं, तो उनको थेर बोलते हैं। तो ये थेर होंगे, कुछ समझते थे कि महाथेर होंगे, यानी कि 20 साल इनको हो गए होंगे, तो उनके सेवा करते थे, उनकी उनके काम करते थे जैसा नियम था। तो वहाँ जो युवा भिक्खु थे उन्होंने पूछा कि थेर स्थिविर, आपकी आयु कितनी है? अब आयु जो होती है, वहाँ आयु का काउंट बड़ा अलग है। आयु तब से काउंट होती है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, यानी अगर मैं भिक्खु बनता हूँ और मेरी ट्रेनिंग आज कंप्लीट हो गई 2019 के अंदर, तो 2019 के जिस मंथ और जिस डेट से मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट माना जाएगा, उस दिन से मेरी आयु स्टार्ट होगी। और अगर मुझे भिक्खु बने हुए 5 साल हो गए तो मेरी आयु 5 साल है। और कोई लड़का अगर 10 साल की उम्र में, या जैसा उनका नियम था, तरुण को नहीं देते थे कि 17, 18, 19 साल का लड़का हो जाए उसको देते थे, तो अगर वो 17, 18, 19 साल से अगर वो करता है और वो 10 साल कर लेगा तो वो मेरे से बड़ा होगा। तो मैं हमेशा उस भिक्खु को नमस्कार करूँगा। बेशक उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी जो उसका जीवन का चक्र की जो उम्र है, बेशक मुझसे कम है, मगर उसकी उपसंपदा यानी ज्ञान की जो एज मानी जाएगी वो एज बड़ी मानी जाएगी और मेरी कम होगी। तो उनसे उनकी उम्र पूछी कि आपकी उम्र कितनी है ज्ञान वाली, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पता नहीं कितनी है, हम तो थोड़ा बाद में जाके हमने उपसमता ली है, भिक्खु संघ को ज्वाइन किया है। तो वो भिक्खु समझ गए कि ये जो थेर हैं बताते हैं अपने आप को, ये थेर नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं, बताना नहीं चाहते। तो जितने भी छोटे भिक्खु थे वो सब उनको चिल्लाने लगे, कैसे भिक्खु हैं, बताते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का नियम नहीं है, कैसे हैं, इनका जो आचार है वो ठीक नहीं है, मिथ्या आचार है, मिथ्या आचरण है, कोई बात पूछिए तो बताना चाहिए। फिर वो उनका काम करने उन्होंने बंद कर दिए, और वो उनको बार बार ऐसा बोलते भी थे कि आप बताते क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, वो चिढ़ गए इस बात से, और चिढ़ने के बाद से उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे जानते नहीं हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम सब अब देखना, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं जो भगवान बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उनका रिश्तेदार हूँ, और मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हुआ हूँ। तो वो जो भगवान बुद्ध के चचेरे बुआ के, यानी चचेरे भाई थे, उनकी बुआ के लड़के थे, तो ये दम उनके अंदर था और ये अभिमान उनके अंदर था कि मैं तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बुआ का लड़का हूँ और इनकी क्या हिम्मत मजाल। तो वो जाके रोते हुए और भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए और रोते रोते कहने लगे, देखो मुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, देखो बुद्ध, देखो तथागत, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, ये मुझे इस तरह से कहते हैं, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे कोसा, इन्होंने मुझे जीता, इन्होंने मुझे लूटा, ऐसा करते हैं ये, और ऐसा मन में बैर ये रखते हैं। तो ये बात उन्होंने उस समय कही। तो भगवान बुद्ध से उन्हें उम्मीद थी कि भगवान बुद्ध सभी जो सामने हैं या जो भी भिक्खु हैं उनको डांटेंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो उनके बुआ के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं। तो मगर वहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध तो संघ के नियम सबके लिए बराबर थे। तब उन्होंने थुल्लतिस को ही डांटा और ये कथा कही कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे मारा गया, मुझे कोसा गया, मुझे लूटा गया, मुझे जीता गया, जो व्यक्ति ऐसा मन में रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं हो सकता, वो हमेशा परेशान रहेगा। और फिर उन्होंने इसके अपोजिट दूसरी गाथा कही, क्योंकि
यमकवग के अंदर एक गाथा के बाद में दूसरी गाथा होती है, इसलिए वो यमकवग है। तब वो कहते हैं सेम वही गाथा है, फिर वो कहते हैं वैरंग ते सुप सम्मति, यानी अक्कोछी मंग एवधि मंग एजिनी मंग एहासी में ये तंग ने उपनयंती वैरंग ते सुप सम्मति। यानी कि पहली बार ठीक है, कोई अगर ये कहता है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे कोसा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, और कोई व्यक्ति ये बात मन में नहीं रखता है, ये तंग न उपनयंती, यानी ये बात जो मन में नहीं रखता है, वैरंग ते सुप सम्मति, इसका मतलब है कि वैर जितना भी होगा उसका हमेशा उपसम्मति माने शांत और संतुष्ट होगा। इसमें तेसु के माने हैं उसका, और उपसम्मति का माने हैं उपसम्मति माने सम्मति माने शांत होना, उपसम्मति बोलते हैं शांत होता है, संतुष्ट होता है, और उपसम्मति से ही उपसंपदा शब्द बना है, यानी उपसम्मति से ही उपसंपदा शब्द बना है। और उपसंपदा क्या होता है? उपसंपदा होता है जब भिक्कू अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर भिक्कू बनने आता है और वो वहाँ नियम सारे सीखता है, नियम सीखने के बाद में बार बार उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा होती है, जब उसकी परीक्षा या परीक्षण होता है, उसका परीक्षण या परीक्षा होती है, तो वहाँ ये देखते हैं कि अब इसने अपने वैरों को कितना शांत कर लिया, यानी जो इसके आसव हैं, जो इसके बुरे काम हैं, राग द्वेष मोह हैं, वो कितने शांत हो गए, यानी कि वो कितने उपसम्मति हो गए। जब वो उपसम्मति हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि अब ये भिक्कू बन सकता है, क्योंकि इसने अपने सारे वैर को सम्मति कर ली है, शांत कर लिया है, उपशमन कर लिया है, उपसम्मति हो गई है, तो अब इसकी हम उपसंपन्न मानते हैं और इसकी उपसंपदा हो गई। ये शब्द वहीं से आया हुआ है, और इसकी जो कथा है वो बहुत आसान सी और बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो थुल तस्य हैं, थुल तस्य तो आपको याद रहेंगे।